नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 सितंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूमि सर्वेक्षण में जमीन मालिकों के परेशानी को लेकर राजस्व एवं भू सुधार मंत्री ने दिया जवाब। हर घर नल का जल से संबंधित शिकायतों का इस तय समय सीमा में होगा निवारण। 17 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष मेला। अभी से ही गयाजी धाम में फुल हुए सभी होटल। प्रदेश में 3,284 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी। होटल रूम में आधार कार्ड देने से पहले कर ली काम। दलित ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन से टेस्ट मैच में पंत की वापसी की राह हुई आसान। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। AIESL ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड यानी AIESL ने रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 76 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.aiesl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन पास किया हो, साथ ही वैलिड BCS से बेसिक AVSEC सर्टिफिकेट मौजूद हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। हर घर नल का जल से संबंधित शिकायतों का इस तय समय सीमा में होगा निवारण। हर घर नल का जल से संबंधित शिकायत का तुरंत निवारण किया जा रहा है। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए या अपने सुझाव दर्ज करवाने के लिए आप सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक 1800-123-1121 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं SMS और व्हाट्सएप के लिए आप 8544-2904 पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज या SMS के दौरान वार्ड संख्या, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला और शिकायतकर्ता अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। इस दौरान जलापूर्ति योजना में साधारण लीकेज के शिकायत का निवारण 12 से 24 घंटे, वहीं असाधारण लीकेज पर 3 से 5 दिन में निवारण किया जाएगा। मीटर पंप में खराबी के शिकायत का निवारण 24 घंटे, साधारण मरम्मति का 24 घंटे और जल की गुणवत्ता की जांच दिन में की जाएगी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पूर्णिया के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जिसकी गिनती भारत के सबसे पुराने जिलों में होती है। इस जिले में धार्मिक से लेकर कई ऐतिहासिक स्थल भी शामिल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जिसमें कला भवन, शहीद स्मारक, जलालगढ़ का किला, गांधी सर्किट, काझा कोठी, पूरन देवी मंदिर पूर्णिया, माँ काली मंदिर पूर्णिया, धीमेश्वर महादेव स्थान बनमनखी, वरुणेश्वर स्थान बी कोठी और रानी सती मंदिर कस्बा शामिल है। यदि आप कभी पूर्णिया जाते हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण में जमीन मालिकों के परेशानी को लेकर राजस्व एवं भू सुधार मंत्री ने दिया जवाब। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के मामले में अब कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लोगों के अंदर उठ रहे इन सवालों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण के काम में आम लोगों को परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग जमीन मालिकों की समस्या से अवगत है और उनके इन परेशानी के समाधान के लिए पूरी तरह से सजग और तत्पर है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है उसमें खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद को लेकर है। ऐसे में इन राजस्व अभिलेखों के लिए लोग राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये सभी दस्तावेज डिजिटल ऑनलाइन उपलब्ध है। पटना में गणेश चतुर्थी के अवसर पर राम मंदिर की तर्ज पर बना श्री गणेश का पंडाल। बीते दिन पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान पटना में भी गणेश चतुर्थी पर भव्य आयोजन देखने को मिला। ये आयोजन महाराष्ट्र मंडल की तरफ से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को सोने और हीरो से बने मुकुट को पहनाया गया, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए के करीब में थी। भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी भव्य आरती भी की गई। कई लोग इस अवसर पर मराठी पोशाक धारण किए नजर आ रहे थे। पूजा स्थल पर राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया था। 12 सितंबर को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हर दिन भगवान गणेश को 101 किलो मोदक का भोग लगाया जाएगा।
सीनियर आईपीएस अधिकारी हसनैन खान को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। बिहार के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी राज्य छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा रहे हैं। अब इसी बीच एक और सीनियर आईपीएस ऑफिसर बिहार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। दरअसल बिहार से सीनियर आईपीएस अधिकारी नैयर हसनैन खान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं और इन्हें एसएसबी का आईजी बनाया गया है। अब आने वाले 5 सालों के लिए ये इसी पद पर तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि आईपीएस हसनैन खान सीएम नीतीश के खास अधिकारी माने जाते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में एनएच के मामले में पिछड़ा बिहार। बिहार एनएच के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पीछे आया है। पथ निर्माण विभाग ने अपने एक अदालत रिपोर्ट में बताया है कि प्रदेश में मौजूद आधे से ज्यादा एनएच 2 लेन या इससे भी कम चौड़ाई में है। वहीं 1/4 सड़क ही ऐसे है जो 4 लेन चौड़ी है। इसके अलावा 6 लेन सड़क की चौड़ाई 200 किलोमीटर तक भी नहीं है। सड़कों की चौड़ाई कम होने की वजह से यहां अक्सर जाम की समस्या देखने को मिलती है, जिस वजह से कई व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। साथ ही आवागमन में भी लंबा समय लग जाता है। बिहार की भागीदारी देश के कुल एनएच में केवल 4.04% ही है। देश में एनएच के मामले में सबसे ज्यादा भागीदारी 13.40% के साथ महाराष्ट्र की है। 17 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष मेला। अभी से ही गयाजी धाम में फुल हुए सभी होटल। बिहार में गयाजी धाम पितृपक्ष में पिंडदान के लिए सभी जगह प्रसिद्ध है। इस बार पितृपक्ष मेले की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, जहां देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस मेले में शामिल होने वाले पर्यटकों के लिए बोधगया में भी अभी से ही सभी होटल बुक हो चुके हैं। पितृपक्ष में गया और बोधगया दोनों ही धार्मिक स्थलों पर होटल या रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। पितृपक्ष का ये मेला 3 अक्टूबर तक रहेगा, तो इस अवधि तक नॉनवेज खाना नहीं परोसा जाएगा। इस बार 15 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि अगले जन्म मोहे बिटिया की ही जो से पाई थी। इस धारावाहिक में इन्होंने लाली की किरदार निभाया था। इसके अलावा ये महाभारत में अंबा और संतोषी माँ में संतोषी की भूमिका में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा 2013 के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में भी रतन दिखाई दी थी। इन्होंने अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जिसमें 2009 में जी रिश्ते पुरस्कार, 2009 में इंडियन टेली अवार्ड आदि शामिल हैं। हाई बीम हेडलाइट पर गाड़ी चलाने वाले इस बात का रखें ख्याल, वरना कट सकता है चालान। अगर आप अपनी गाड़ी में हाई बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट के तहत हाई बीम हेडलाइट्स का प्रयोग गैर कानूनी है और इसके लिए 500 से 1000 रुपए तक का चालान लग सकता है। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ साथ भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हाई बीम हेडलाइट्स की चमक से सामने आ रही गाड़ियों के ड्राइवर चकाचौंध हो सकते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी है। 11 सितंबर को बिहार के जिले में रोजगार मेले का हो रहा है आयोजन। बिहार में रोहतास जिले के डालमिया नगर में रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। ये रोजगार मेला संयुक्त श्रम संसाधन परिसर में 11 सितंबर को देखने को मिलेगा। इस रोजगार मेले में बैंको गार्केट इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा मशीन ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं ITI और डिप्लोमा पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार मेले में भाग लेने के से पहले NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। प्रदेश में 3,284 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी। प्रदेश में 3,284 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मंजूरी मिल चुकी है। सड़कों का निर्माण अगले साल मार्च तक पूरा होगा। इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार हो चुकी है। वित्त विभाग ने इस निर्माण में कुल 2,955.41 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस निर्माण से ग्रामीण यातायात भी सुदृढ़ होंगे। आपको बता दें कि सड़कों का चयन सर्वे के बाद किया गया है, जिससे टोलों की कनेक्टिविटी पहले से बेहतर।
नकली नोटों के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में नकली नोटों के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जाली नोट के कारोबार में संलिप्त एक अपराधी को शाहपुर टोल प्लाजा से आगे NH 31 के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 2,07,000 रुपए के जाली नोट जब्त किए हैं। ये आरोपी बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले को लेकर मनीष SP बेगूसराय ने कहा है कि 2,07,000 के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मृत्युंजय कुमार वर्तमान में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। पूछताछ के दौरान कुछ इनपुट मिले हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही ताकि पुलिस इस चेन तक पहुंच पाए। बिहार में कई जगहों पर भूमि सर्वेक्षण के दौरान अब नई समस्या आई सामने। बिहार के कई जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में इस दौरान कई नई समस्या उभरकर सामने आ रही है। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान तैयार हुए खतियान, जमींदारी रसीद और बंदोबस्त पेपर आदि की भाषा कैथी है, लेकिन आज के समय बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कैथी हिंदी समझ पाते हैं। जो लोग कैथी जान रहे हैं वे इसे पढ़कर देवनागरी हिंदी में तैयार करने के लिए प्रति पेज 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की मांग कर रहे हैं, जिससे कई जगहों पर परेशानी आ रही है। छात्र नेता दिलीप ने शिक्षक भर्ती मामले में लगाया बड़ा आरोप, सरकार से कर दिए मांग। छात्र नेता दिलीप ने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक भर्ती में हुए कर्मियों को लेकर बिहार सरकार से कुछ अपील की है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं, बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। इन सबके डॉक्यूमेंट की जाँच होनी चाहिए। यदि सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो पूरे बिहार में बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक नया मामला अभी उजागर हुआ है कि एक रोल नंबर पर 2 और 3 शिक्षकों की बहाली हुई है। इसका खुलासा हम लोग जल्द करने वाले हैं। पहले चरण और दूसरे चरण में कई फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। इनके डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र और बायोमेट्रिक भी फर्जी हैं। होटल रूम में आधार कार्ड देने से पहले कर लिए काम। होटल रूम में चेक इन करते समय अक्सर ID प्रूफ दिखाने की जरूरत होती है। ऐसे में आधार कार्ड का उपयोग करना आम है, लेकिन इसमें आपकी पूरी जानकारी होती है जो लीक हो सकती है। इससे बचने के लिए मास्क आधार कार्ड का उपयोग करें। इस कार्ड में आधार नंबर के पहले 8 अंक छिपे होते हैं और केवल अंतिम 4 अंक ही दिखाई देते हैं, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है। मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करना आसान है। इसे UIDAI की वेबसाइट पर जाकर माई आधार सेक्शन में और अपना आधार नंबर डालना होगा। OTP वेरीफाई करें और मास्टर आधार कार्ड डाउनलोड करने के विकल्प पर टिक करें। कार्ड पासवर्ड से सुरक्षित होता है जो आपके नाम के पहले 4 अक्षर और जन्म वर्ष से प्राप्त किया जाता है। जाने आज प्रदेश के मौसम का मिजाज। एक बार फिर से प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री तो कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी को बिहार SDF ने उत्तराखंड से किया गिरफ्तार। बिहार SDF की विशेष टीम को इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर बिहार SDF ने कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश से रंजीत चौधरी को गिरफ्तार किया है। इस पर पुलिस मुख्यालय ने 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। ये लंबे समय से उत्तराखंड में छिपा हुआ था, जिसे लेकर बिहार SDF ने प्रेस रिलीज करते हुए इसे इंटर स्टेट अपराधी के बारे में जानकारी दी। इस आरोपी के ऊपर पटना, भोजपुर और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के कई थानों में मर्डर, लूट, रंगदारी, आर्म्स और पुलिस पर हमले समेत 27 मामले दर्ज हैं। जाने डॉक्टर क्यों पहनते हैं सफेद रंग का कोट। आपने अक्सर डॉक्टर को सफेद रंग का कोट पहने देखा होगा। चाहे ये डॉक्टर किसी क्लिनिक में हो, सरकारी अस्पताल में हो, नर्सिंग होम में हो या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर हमेशा सफ़ेद रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं। अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि सफ़ेद रंग को शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। अस्पताल में अक्सर मरीज का या उनके परिवार वाले परेशान रहते हैं और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इस तनावपूर्ण माहौल को लेकर सकारात्मक रखने के लिए डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट पहनते हैं। सफ़ेद रंग गंदा भी जल्दी होता है, लेकिन डॉक्टरों का सफ़ेद कोट हमेशा चमकता रहता है। इससे ये भी पता चलता है कि मरीजों के स्वास्थ्य के ख्याल से डॉक्टर कितनी साफ सफाई के साथ उन तक आते हैं।
जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर नहीं जारी हुआ समन। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को राहत मिली है। दरअसल इस मामले में लालू परिवार समेत अन्य आरोपियों पर समन जारी करने के आदेश को दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए टाल दिया है। अब इस मामले को आदेश के लिए 13 सितम्बर को सूचीबद्ध किया गया है। अदालत के इस फैसले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेजस्वी लालू को बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दरभंगा पहुंचे। यहां उन्होंने एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। फिर वे डीएमसीएच पहुंचे और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान जेपी नड्डा के समर्थकों ने उनका बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया था। केंद्रीय मंत्री के स्वागत के दौरान सुरक्षा कड़ी रखी गई थी। आपको बता दें कि 210 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके निर्माण से स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर होने की संभावना है। इस अस्पताल से आसपास के जिले जैसे सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे जिलों के लोगों को भी काफी फायदा होगा। दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन से टेस्ट क्रिकेट में पंत की वापसी की राह हुई आसान। दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने तूफानी पारी खेली है। इन्होंने पहले मैच में इंडिया ए के खिलाफ दूसरी पारी में 129.79 के स्ट्राइक रेट से 47 गेंदों पर 61 रन बना दिए। इस दौरान इन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। पंत के इस शानदार प्रदर्शन से उनके टेस्ट में वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि पंत करीब 2 सालों से टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल पाए हैं। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था। आपको क्या लगता है, पंत टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर पाएंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1320 में गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना था। आज के दिन वर्ष 1952 में जिनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन वर्ष 1962 में चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया था। आज के दिन वर्ष 2000 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन में हिंदी भाषण दिया था। आज के दिन वर्ष 2008 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लिफ्ट टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के एक परिवार एक नौकरी नाम की भ्रामक योजना की खबर हो रही वायरल। एक YouTube चैनल GB नॉलेज के एक वीडियो थंबनेल में केंद्र सरकार को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर बोला हमला। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से बिहार में अपराध का आंकड़ा जारी किया है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव द्वारा शेयर किया गया वीडियो लगभग 6 मिनट का है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मर्डर, लूट, रंगदारी, अपहरण की घटनाओं से पूरा बिहार हिल गया है। ये चंद दिनों में ही 100 से ज़्यादा अपराधों की पूरी लिस्ट है, जो अपने आप में बयां करती है कि बिहार में अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और बिहार का राज चौपट राज बन चुका है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भूटान। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रजत। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ऑप्शन है IIM अमृतसर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। इसका सही उत्तर है IIM अमृतसर। बिहार के किस क्षेत्र में अधिकतम औसतन आर्द्रता का अनुभव होता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है भागलपुर। आर्यभट्ट का संबंध निम्न में से किस नगर से रहा है?
ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है गया। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रामनवमी मांझी, बिरजू कुमार, भरत प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, शशि कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद अरमान, शोभानंद ठाकुर, शिवचंद्र मंडल, राजीव कुमार, रवि कुमार, राम कृष्ण प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।